देश के 50 करोड़ मोबाइल यूजर्स के सामने नंबर बंद होने का खतरा पैदा हो गया है। यह खतरा आधार से जुड़ी केवाईसी को लेकर है। मोबाइल यूजर्स ने टेलीकॉम कंपनी को आधार के साथ अगर दूसरा कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया है तो उनका नंबर बंद हो सकता है। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने पर सपा नेता आजम खान सत्ता पक्ष पर जमकर बरसे। आजम खान ने सरकार को सलाह दी है कि आगामी चुनाव की तैयारी करनी है तो भाजपा या तो नौजवानों को नौकरी दे या फिर ताजमहल को गिराकर शिव मंदिर बना दे। हालांकि केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन सपाक्स ने एमजे अकबर से राज्यसभा सांसद की सीट से भी इस्तीफा देने की मांग की है। मीटू कैंपेन के तहत 20 से अधिक महिलाओं ने पूर्व केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। मतदाता को जागरूक करने के लिए आने वाले दिनों में रन फॉर वोट 4 शहरों में होने वाली है। इस मैराथन दौड़ को लेकर गुरुवार को जिला प्रशासन अधिकारियों ने नेहरू स्टेडियम का दौरा कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर हो रहा विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद बुधवार को महिलाएं मंदिर के पास तक भी नहीं पहुंच पाए। इसी को लेकर सबरीमाला संरक्षण समिति द्वारा गुरुवार को 12 घंटे का राज्यव्यापी बंद का आयोजन किया गया। आरएसएस के स्थापना दिवस यानी 21 अक्टूबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा इंदौर पहुंचेगी। महू में यात्रा के औपचारिक शुभारंभ के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राव होते हुए इंदौर में प्रवेश करेंगे। कांग्रेस के दिग्गज नेता और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी का 93 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद गुरुवार को निधन हो गया। लंबे समय से बीमार चल रहे तिवारी का दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। तिवारी के निधन पर मोदी ने जताया शोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण दत्त तिवारी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है और कहा है कि इनमें उनके व्यापक भ्रष्टाचार करने के कारण देश के पायलटों को फ्रांस के कबाड़े से बने जगुआर विमान को ही उड़ाना होगा। महिलाओं के साथ यौन दुर्व्यवहार की शिकायतों को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहे अभियान मीटू के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक विशेष ईमेल ncw.meetoo@gmail.com जारी किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रमुख मोहन भागवत ने महिलाओं के सबरीमाला मंदिर में प्रवेश के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों का समर्थन करते हुए गुरुवार को कहा कि अदालत ने जन भावनाओं और लंबी परंपराओं की अनदेखी करते हुए इस मामले में फैसला दिया है। जिला स्तर पर संचालित हो रहे मॉडल स्कूलों में अब पुराने शिक्षकों की रवानगी होना शुरू हो गई है। इन स्कूलों में अब पात्रता परीक्षा में चयनित हुए शिक्षक ही बच्चों को पढ़ाएंगे। इंदौर के मॉडल स्कूल से भी 13 शिक्षकों को अन्य स्कूलों में भेजा गया है। विधानसभा चुनाव में निष्पक्ष मतदान और चुनाव की प्रक्रिया में पारदर्शिता रखने के लिए नई सुविधा वीवीपैट जोड़े जाने के बाद प्रत्येक मतदाता को मतदान करने में अधिक समय लगेगा। इसके चलते निर्वाचन आयोग मतदान करने का समय बढ़ाने जा रहा है। सिक्किम ने विश्व में पहला ऑर्गेनिक राज्य बनने का खिताब जीत लिया है। सिक्किम ने विश्व के पहले पूर्ण ऑर्गेनिक राज्य बनते हुए संयुक्त राष्ट्र के फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर पॉलिसी अवार्ड जीत लिया है।